नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। दोनों ही प्रदेशों में 90-90 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब 8 अक्टूबर को नतीजों की बारी है। और आज न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर का महा एग्जिट पोल। दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं उत्तर प्रदेश फैक्टर भी दिखा है। सीएम योगी ने दोनों ही राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार किया, तो भाई कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। बसपा ने INLD के साथ साझेदारी में चुनाव लड़ा, तो चंद्रशेखर की पार्टी ने JJP को अपना समर्थन दिया। साफ है ये नतीजे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के का भी इशारा तो जरूर देंगे। ऐसे में करेंगे महा एग्जिट पोल का संपूर्ण विश्लेषण। हरियाणा का एग्जिट पोल यूपी में क्या असर? नतीजों की बारी, कारगर कांग्रेस SP की साझेदारी। जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि BJP की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह से लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से विफल है। परिणाम आएंगे तब भाजपा को यह पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश से हट रही है। मायावती कामयाब और चंद्रशेखर हो पाएंगे पास? हरियाणा का जनादेश, यूपी उपचुनाव का संदेश। हरियाणा जीत रहे हैं, उपचुनाव जीतेंगे। क्या लगता है कि हट जाना वहाँ से, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। विपक्ष हताश, निराश, उदास है। बयानबाजी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। न्यूज 18 पर महा एग्जिट पोल संपूर्ण विश्लेषण। और इस वक्त महा एग्जिट पोल से जुड़ी हुई खबर आ रही है। महा एग्जिट पोल में हरियाणा के अंदर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। महा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और महा एग्जिट पोल के आंकड़े में भाजपा को 24 सीटें मिल रही हैं। महा एग्जिट पोल में INLD को 3 और JJP को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। तो न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल से जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर है और खबर यह कि जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। महा एग्जिट पोल के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर में BJP को 26 सीटें मिलने का अनुमान, PDP को 7 सीटें मिलती हुई संभव होती दिखाई देती है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वो आंकड़ा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों में, ऐसे में हरियाणा जम्मू कश्मीर पर सबकी नजर थी, उनसे जुड़ा हुआ आंकड़ा जान लीजिए। न्यूज 18 का पोल ऑफ द पोल महा एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 55 सीटें मिल सकती हैं, BJP को 24, INLD को 3 और JJP को 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो बहुत ही दिलचस्प आंकड़े की तरफ इशारा कर रहा है। कांटे की टक्कर यहां पर नजर आती है। माय एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में BJP को 26 सीटें मिलने का अनुमान, PDP को 7 सीटें मिलती संभव होती दिख रही हैं, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो माय एग्जिट पोल के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा की क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। तो आपको इस एग्जिट पोल की बड़ी बातें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत संभव, हरियाणा में BJP के पिछड़ने का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आ रहा है। कांग्रेस को हरियाणा में 56 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो BJP को हरियाणा में 24 सीटों का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा में INLD प्लस को 3 सीट संभव, तो हरियाणा में JJP प्लस को 1 सीट का अनुमान है। तो भाई दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद 10 साल बाद चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर है। जम्मू कश्मीर में BJP को 26 सीट मिलने का अनुमान है,
इसके अलावा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 40 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महा एग्जिट पोल की ये बड़ी बातें हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, गौरव चाचरा जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गणेश शंकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले एसएन सिंह जी आपसे कर रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। नहीं देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही बताया जा रहा था कि ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये एक अनुमान है और निश्चित तौर पे हम इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। आपका एक जिम्मेदार चैनल है, बड़ी जिम्मेदारी से आप लोग सर्वे करते हैं, लेकिन दो तीन एग्जाम्पल दूंगा। अभी 2019 में आप देखे होंगे हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटें देने की बात कही जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट मिलती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त की बात कही गई, पश्चिम बंगाल में उस तरह के परिणाम नहीं है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही थी, लेकिन परिणाम उसके विपरीत आए, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी। और आपका जिम्मेदार चैनल 2017 में उत्तर प्रदेश के ही चुनाव में दिखा रहा था कि वहां पे मिलीजुली सरकार बनेगी, लेकिन वहां 403 विधानसभा में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती है। मुझे लगता है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन हरियाणा के आंकड़े पर एसएन सिंह जी गैप बहुत ज्यादा है। आप देखिए, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को उसमें आंकड़ों में अनुमान लगाया गया 55 से ज्यादा सीटें, तो वहीं बीजेपी आधी रह गई, लगभग आधी पिछली बार जितनी सीटें आई थी। तो अब भी आप कहेंगे कि कुछ मिरेकल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप बहुत जिम्मेदारी से, कोई भी जो सर्वे करता है बहुत जिम्मेदारी से करता है, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता हूं, और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को लेकिन कहूंगा कि वहां पे चुनाव में, चूंकि मैं चुनाव में गया था, चुनाव में मैं वहां समय व्यतीत किया हूं। वहां जब आपके रिपोर्टर पूछते थे किसी से कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल में जो सरकार थी और कांग्रेस की जो सरकार थी, उन दोनों में क्या तुलना है, तो वो लोग कहते थे कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब 10 साल सरकार रही इस नाते लोग नाराज हैं, लेकिन जैसे कांग्रेस पे बड़े बड़े जमीनों के भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जैसे 2005 में और 2010 में दलितों पे अत्याचार हुए कांग्रेस के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात, वहां की जनता से आप जब भी बात हो रही थी तो वहां की जनता ये कह रही थी एक आम आदमी को भी पारदर्शिता से नौकरी मिली, खर्ची पर्ची की सरकार नहीं रही। अब जम्मू कश्मीर पे आ जाइए 10 सेकंड में, देखिए जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है हम तो कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जाकर वहां पर जब आइसक्रीम खा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, पर्यटन कर, इसके पहले कोई कांग्रेस का व्यक्ति अपना फोटो दिखा दे कि गया हो। उनके गृह मंत्री जी कहते थे जम्मू कश्मीर में जाने में डर लगता है, 2 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं, 400 फिल्मों मतलब की शूटिंग हो रही है, माहौल तो बना है, आम लोगों के लिए वहां पर एक सुरक्षित माहौल बना है। और यही बड़ा मुद्दा बीजेपी ने रखा भी चुनाव में। मनीष सिंह जी, जम्मू कश्मीर का आंकड़ा और दूसरी तरफ निश्चित रूप से हरियाणा का आंकड़ा आप लोगों के लिए कुछ उत्साह भरी खबर। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में क्या करके सत्ता को हासिल किया था। जब आपने 2014 के आम लोकसभा चुनाव में पूरे देश के सामने दहाड़ दहाड़ करके सीने पर हाथ रख करके ये बात कहा कि हम साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आज इतना लंबा समय बीतने के बाद से आप नौजवानों की नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, आज भरपेट भोजन आप देने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में देश को ला करके खड़ा कर दिया है। देश जानता और पहचानता है कि जो हमारे ऊपर शासन कर रहे लोग हैं उनकी मानसिकता कितनी तानाशाहियत भरी हुई है। मैं ये बात आस्था जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जैसे इन्होंने अग्निवीर योजना, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 का जब विधानसभा का आम चुनाव हुआ तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों पर जनता ने मुहर लगाया, बदलाव और परिवर्तन की, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखली की जो शुरुआत हुई वो 2022 के विधानसभा के आम चुनाव से शुरुआत हुई, और 2024 में जिस तरह से हमारे नेता की नीतियों पर भरोसा करके जनता ने लोकसभा के चुनाव में जनता डेंट दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा और कश्मीर अब इनके हाथ से जा रहा है। आने वाला जो विधानसभा का हरियाणा में तो आंकड़ा, हरियाणा में तो आंकड़ा यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं मनीष जी, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर दिख रही है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी, जम्मू कश्मीर का जो बैटल फील्ड रहा, पॉलिटिकल बैटल फील्ड, और वहां तो कांटे की टक्कर है, अन्य जो है वो किंग मेकर बन के सामने, अभी भी कह रहे हैं ये बड़ा जल्दबाजी होगी कि कौन सरकार बनाएगा,
पलड़ा दोनों ही तरफ, मतलब पोटेंशियल दोनों ही तरफ दिख रहा है। आस्था जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से रिजल्ट परिणाम और जिस तरह से आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो उसे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, पर एसएन सिंह जी के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगी कि कमाल है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं और फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। आज भी बैठकर ये अब खूबियां गिना रहे हैं, और इतनी खूबियां गिना रहे थे तो हरियाणा में खट्टर साहब को हटा क्यों दिया? 8.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए इन्होंने सीएम का चेहरा ही बदल दिया। पर खैर, उतना ही नहीं बल्कि आप जिस तरह से देखिए जो किसानों के साथ इन्होंने किया, आज वोट डालते समय किसानों को याद आया होगा ना कि किस तरह से कील कांटे बिछाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किस तरह से 700 किसानों की शहादत हुई, झूठे वादे किए गए कि हाँ। लेकिन प्रियंका जी, उस घटना के बाद तो और भी कई चुनाव हुए देश में, विधानसभाओं के चुनाव हुए, बहुत से उपचुनाव हुए, तो क्या यही मुद्दा चला? आप इसको बड़े आत्मविश्वास से कह रही हैं। एसएन सिंह जी इस पर कुछ बोल रहे हैं। जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अपनी बहन से। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले इनके मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, उत्तराखंड में ठीक चुनाव से पहले इनके मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, और राजस्थान की लड़ाई सब लोग जानते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि हरियाणा से सटा राज्य हिमाचल है, क्या हरियाणा की जनता ने नहीं देखा कि हिमाचल में आपने क्या क्या वादा करके आए थे? वहां वाला वादा वादा नहीं था क्या? वहां तो आप तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, तो हरियाणा के लोगों को लगा कि भाई अगर इनके हाथ में सत्ता की चाबी जाएगी तो कर्नाटक की हाल हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कहूंगा, मैं चुनाव में था, शायद प्रियंका जी चुनाव में ना रही हूं, वहां के लोग कहते थे कि ये राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं भाई, जो पंजाब के लोग रहने वाले गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, पानीपत में थे, उन्होंने कहा कहां राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम कड़ा कंघा और कृपाण और केस वो करके हम जो है गुरुद्वारे में जा ही नहीं सकते हैं। तो जो झूठ की दीवार ये खड़ा कर रहे थे वो झूठ की दीवार गिर गई है, और आप देखेंगे परिणाम सार्थक सुंदर। ठीक है, 8 तारीख का इंतजार करना होगा उसके लिए। डॉक्टर परमवीर सिंह भी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार। परमवीर सिंह जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, हरियाणा में तो जो एग्जिट पोल है वो क्लियर कट मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनते हुए अनुमान लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर लेकिन बरकरार है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ऐसा होता है आमतौर पर जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता, सभी अपने अपने उदाहरण अपने अपने तर्क पेश करते हैं कि पलट भी सकती है तस्वीर। आस्था जी एक लाइटर नोट में बात कहूंगा, कोई अपने ऊपर सीरियसली ना ले। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है कि राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को आती है, और देखिए राजनीति का काम ही यही है कि जब तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं तब तक आपको कहना पड़ेगा जीत रहे हैं, और जीतने के बाद आप अभी इस बार शायद नहीं होगा, फिर ईवीएम को कोसना और चुनाव में गड़बड़ी करना ये सब भी कहा जा सकता है, तो बहुत सारा फील्ड ओपन। कौन कोसेगा ईवीएम को परमवीर जी? आप नहीं कोसेगा कोई, मैं कह रहा हूँ बनती दिख रही है हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ईवीएम अब सही है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है उसके ऊपर, तो ईवीएम के ऊपर सोच समझ के ही बोलना चाहिए, मैं तो बस एक टिप्पणी कर सकता हूँ तो। लेकिन ये बातें दोनों पार्टी ओपन फील्ड होता है, एक टर्म होती है पॉलिटिकल साइंस में रियल पॉलिटिक्स, कि आपको चुनाव जीतना है, और जनता भी देखिए ये कटु सत्य है, जनता भी ना एक ही चीज से रूटीन में चलते चलते बोर हो जाते हैं, और पूरी दुनिया का काम रहा है, भारत का नहीं है। अगर हम बात करें विकास के ऊपर, अगर विकास की बात की जाती तो एम्स, जेएनयू और तमाम तरीके की नेहरू जी ने बनाए थे, तो उनकी सरकार कभी जाती ही नहीं। लखनऊ के अंदर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का काम हुआ, पहला एक्सप्रेस वे लाए मायावती जी। परमवीर जी, ये तो इतिहास की बातें रही ना, आज आज वर्तमान में हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो महा एग्जिट पोल का आंकड़ा है, 55 से ज्यादा सीटें, स्पष्ट बहुमत हरियाणा में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आता जी टीवी पर हम ऐड के लिए ये आकलन करने का वक्त है वाकई में कि क्या गड़बड़ रही हरियाणा में, क्या दिक्कत रही? आकलन जरूर करना, जी जरूर आकलन करना चाहिए, जीत का भी और हार का भी। अगर मैं छोटी सी बात करूंगा सीमित बुद्धि से अपनी, जैसे टीवी पर ऐड आता है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल फॉग चल रहा है, तो आजकल देश में जाति चल रही है, सब की पूछी जाती है तमाम, और खुशी से बताते हैं और अपना फॉर्म वॉर्म भरते हैं, तो वो आजकल वो ट्रेंड दोबारा से एक मंडल का एरा जो है थोड़ा थोड़ा सा आया है, तो उसका फायदा होकर जहां जहां आपको देख रहा है कि बीजेपी की सरकारों को नुकसान हुआ, तो उसका ये बहुत बड़ा कारण है। पीडीए का नारा यूपी से निकला था, मैं उसकी बात करूंगा, पीडीए की चोरी, टिकट बंटवारे की। यही सवाल मेरा अब समाजवादी पार्टी से भी होने जा रहा है मनीष जी, ये पीडीए की जो बात शुरू हुई थी वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने सबसे पहले बात की, नतीजा लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला, अब वही झलक हरियाणा में। हालांकि हरियाणा में आप सीट की उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस से, सीट भले ही ना मिली हो, लेकिन ट्रैक वही पकड़ा गया है जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। जी जी आस्था जी, मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि 2022 के चुनाव का जो परिणाम था वो परिणाम हमारे पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ छल प्रपंच और सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी गण हैं उनकी विशेष कृपा से योगी आदित्यनाथ जी को दूसरी बार सत्ता मिल गई। वो बात अलग है कि जनता ने जनादेश परिवर्तन के लिए दिया था, लेकिन एक हमारे लिए शुभ संकेत था जो 2024 में दिखाई दिया। पीडीए एक ऐसा पराक्रम बना
कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी उससे पूरी तरह से बिलबिला चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी उस पीडीए का जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, उसका जो त्याग है, उससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर दस सेकंड बस लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब जाति की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जातियों में बटे हुए लोगों की बात करते, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बटेंगे तो लोग जश्न मनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे योगी जी और मोदी जी, अब इन सब चीजों से बाहर निकलिए। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद बकरीद, होली दिवाली, अब इन सब विषयों को निकाल दीजिए। जनता जो चाहती है वो जनता को दीजिए, रोजी रोजगार की बात करिए। किसान देखिए भाटी जी, चार बार प्रदेश में आपकी सरकार रही, लेकिन हमेशा आप जो है जाति जाति में भी जो है ना आप परिवार को जी नहीं, मेरा नाम और 10 सेकंड में मैं आपको गिनाऊंगा, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो आपका, वो केवल आपके परिवार के लिए होती है। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, उनके लड़के मुख्यमंत्री, भाई सांसद, दूसरे भाई सांसद, भतीजा विधायक, दूसरा भतीजा सांसद, चारों भाई भतीजा विधायक सांसद हो जाते हैं। आप पीडीए की बात करें, पीडीए में आपने काम क्या किया? पीडीए में तो ऐसा तो नहीं है कि पीडीए में केवल जो समाजवादी पार्टी में होंगे वही पीडीए होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं? हमारे वर्तमान में बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री किस जाति धर्म से आते हैं? और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव में लेकर आई, जिसको आप समर्थन नहीं किए, पीडीए का सबसे बड़ा फार्मूला जहां लगता है राष्ट्रपति चुनाव में, जिसका आप विरोध किए, वहां पीडीए आपको नहीं दिखाई देता। पीडीए आपको अयोध्या में नहीं दिखाई देता, वहां अल्पसंख्यक। लेकिन लास्ट कहूंगा, दरअसल आस्था जी क्या होता है ना, सब लोग, सारे दर्शक आपके माध्यम से सुने कि हिंदू धर्म आज नहीं, 1600-1700 वर्षों से हिंदू धर्म ऐसा ही होता है, इतना उदार होता है कि वो खंड खंड बढ़ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक धर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, हिंदू धर्म को बांट लेते हैं, धर्म से ऊपर जाति की दीवार कर लेते हैं, नैरेटिव गढ़ने का कार्य करते हैं। नहीं तो 2017 से 22 तक 50 चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आ रही है। प्रियंका गुप्ता जी, अब जवाब आप देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। अब नतीजा जो भी आएगा, सही है ना, ईवीएम देश में ईवीएम से चुनाव हो, सही है? क्योंकि मैं समझती हूँ जिस तरह से ईवीएम पे सवाल उठाए गए वो जायज हैं, जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा पिछले 24 के चुनाव में, वो आज भी एक सवाल और एक गुत्थी बनी हुई है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जितनी वो मेहनत कर सकते थे सब कुछ उन्होंने किया। इवन जो है डेट अनाउंस होने के बाद भी ट्रांसफर पोस्टिंग तक चलती रही है, सबको पता है, कोशिश पूरी की गई। लेकिन इस बार जब जनता ने मन बना लिया था कि जनता ने पूरी तरीके से जो 36 की 36 जातियां हैं हरियाणा की, वो सब एकजुट थी, किसान एकजुट था, महिलाएं, पहलवान और वहां का युवा एकजुट था। उस युवा की क्या क्या गलती थी जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार भी चुनी, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर उसने कहीं देखी तो वो 10 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखी। कांग्रेस के समय में वहां पर बेरोजगारी जो दर थी वो लगभग 3% थी और आज बेरोजगारी 37% है। युवा त्रस्त, महंगाई का वो हश्र कर दिया इन्होंने कि टमाटर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष जो लगातार इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा, यही मुद्दे चले हैं और इन्हीं मुद्दों का जनता पे असर हुआ है। मनीष सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अब जम्मू कश्मीर पे चर्चा शुरू करूंगी। जी आस्था जी, देखिए कुल मिला जुला करके हम सब लोगों को इस बात को मानना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य करती है उनको सबको मानना चाहिए कि जनता से जो वादा किया जाए उन वादों पर कायम रहा जाए और सरकार में आने के बाद से उनके लिए काम किया जाए। आज उत्तर प्रदेश में तकरीबन 16 लाख पद खाली है सरकारी विभागों में, उनको नहीं भरे जा रहे, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। लफ्फेबाजी के जो भाषण जितने हो सकते हैं उतने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अरे भाषण से पेट नहीं भरता है, से राशन केवल बांट सकते हैं आप, लेकिन जो उनकी असली जीविका की बात होती है उसके लिए बैठ करके कार्यालयों में काम करना पड़ता है आस्था जी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब तक हमारे देश की माताएं, बहनें, हमारे देश के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक हमारे देश का शर्म आ रही है। समाजवादी पार्टी को ये शब्द बोलते शर्म आ रही है, सबसे ज्यादा बहनों की आबरू लूटी गई तो आपकी सरकार में लूटी गई। आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखिए, अपने कानून व्यवस्था को देखिए, और आपकी सरकार इसी नाते गई कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था था ही नहीं। हर जिले में आपके एक दोस्त होते थे जो अपराधी होते थे, जो आपकी मदद करते थे और चुनाव में और बाद में आप उनकी मदद करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में इसी दम पर बनी कि कानून व्यवस्था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफल और सुंदर रहा। ठीक है,
चलिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और सवाल प्रियंका जी आपसे। जम्मू कश्मीर का जो आंकड़ा है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ आपका गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 40 प्लस है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो 24 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, यह अनुमान है। लेकिन जो किंग मेकर और जो निर्णायक साबित होंगे वो अन्य हैं जो 22 प्लस हैं फिलहाल आंकड़ों में, और उनके लिए जब से चुनाव चल रहा था ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ही उन्हें खड़ा कर रही है। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर जाकर इस बार गठबंधन में जाना चाहती है, क्योंकि आप जिस तरह से कह रही हैं कि क्या जो इनकी जो गारंटी कार्ड थी और जो उनका गारंटी कार्ड है वो क्या मिल रहा है आपस में, क्या ये कंप्रोमाइज करने को तैयार? अगर ये कंप्रोमाइज करने को तैयार है तो ये पिछले जितने समय तक ये बैठकर झूठ बोलते रहे टेलीविजन पर वो एक्सपोज हो जाएगा, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो 370 का मामला हो, ये हर तरीके से पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। और ये मुझे लगता है कि इनके लिए और खराब स्थिति होगी अगर ये इस तरह की कोई कोशिश भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर वादे किए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर लोगों को ट्रस्ट था, इसी की वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि हम बहुमत का आंकड़ा जरूर छुएंगे और इस बार हम वहां पर सरकार बनाएंगे। जिस तरह से वहां का एस एन सिंह जी कांग्रेस का साफ दावा है कि हरियाणा तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी वही। देखिए प्रियंका जी देखिए अब तो मत जो है वो पेटियों में बंद है, रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है। वादे की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी, कांग्रेस भी कान खोल कर सुन ले। भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से कहती थी कि देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेगा, और जम्मू कश्मीर में हमने पूरा करके दिखाया, कोई दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस चार ऐसे मुद्दों को लेकर आती है, कहती है कि अगर हमारी गठजोड़ जो कांग्रेस पार्टी है हमारी सरकार बनेगी, हम पुनः 370 बहाल कर देंगे, आपने एक बार भी नहीं बोला। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जितने पत्थरबाजी और आतंकवादी जेल में बंद हैं सबको हम छोड़ देंगे और उनको सैलरी देंगे, कांग्रेस समर्थन करती है, एक बार भी नहीं बोलती है। जो पाकिस्तान हमारे देश के बेगुनाहों का खून लेती है, उस पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस दबाव बनाती है और कांग्रेस उसका साथ देती है। तो पूरे देश के लोगों ने देखा कि 370 जिसको कांग्रेस कहती थी कि वो तो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता, वो तो आसमान फट जाएंगे, धरती फट जाएगी, वो मोदी जी के नेतृत्व में 370 समाप्त हुआ विकास के कार्य। प्रियंका जी बनाएंगे सरकार। देखिए ये बुरी तरीके से ये कह रहे हैं कि रोने धोने की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ रुमाल भिजवा देती हूँ। देखिए आपको तकलीफ इसलिए नहीं करना चाहिए, छोटा सा याद दिलाऊंगा, आम आदमी पार्टी का जन्म ही आपके भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ और उसने कहा शीला दीक्षित को और सोनिया जी को आते जेल में डालूंगा। उस विचारधारा से आप गठबंधन कर ली, पूरे भारत में सभी पार्टियां कांग्रेस के विरोधी विचारधारा से पैदा हुई। जिस कांग्रेस ने अखिलेश वकिलेश मन बुद्धि पता नहीं क्या क्या कहे, उस समाजवादी पार्टी से आपने उत्तर प्रदेश में हाथ मिला लिया। अब आपकी को सत्ता चाहिए, चाहे झूठ बोलिए, बेमानी करिए, धुरतई करिए, इस तरह से तो सत्ता नहीं मिलने वाली। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, वहां की आवाम ने देखा कि सड़कें गुलजार है, तिरंगा ध्वज फहरा रहा है, पत्थरबाजी बंद हो गई, आतंकवादी घटनाएं हो नहीं रही, फिल्मों की शूटिंग हो रही है, पर्यटक वहां आ रहे, तो वहां के लोगों ने विकास को चुना है। आपको 8 तारीख का इंतजार करना होगा असल नतीजों के लिए। परमवीर सिंह जी भी हमारे बीच में। परमवीर सिंह जी, अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़ों पर नजर डाले तो बीजेपी 27, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस जो है वो 41 प्लस, पीडीपी 7, अदर्स 15। ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। अब दोनों के दावे हैं कि कौन सरकार बना सकता है, भाजपा या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। आस्था जी मेरा मानना है, देखिए अदर्स का आंकड़ा भी और बढ़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति भी और देश के साथ सिंक्रोनाइज हो गई है। फॉर एग्जांपल जैसे एससी एसटी कैटेगरीज के रिजर्वेशन थे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, बीजेपी ने एक बहुत अच्छा काम करा था, जो बहुत सालों से पिछड़े हुए थे एसटी का कैटेगरी का जो पहाड़ी लोग हैं वहां को उनको दिया गया, एसटी की श्रेणी में दिया गया उनको, तो उस वजह से वहां की लोकल पॉलिटिक्स में बहुत हलचल पैदा हुई है। कश्मीर की वास्तविकता है कि वहां पर मात्र 1-1.5% लोग ही, जो अब बहुत ज्यादा अपर कास्ट मुस्लिम से भी कास्ट होती है, अपर कास्ट सैयद वगैरह होते हैं, वो लोग ही काबिज थे। अब इस पे पहाड़ी और बकरवाल लोगों को जो एस का स्टेटस मिला है, तो आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे टीचिंग की हो, वहां पर इस कम्युनिटी से लोग जाएंगे तो इस चीज का बहुत फायदा मिलने वाला है। और इसमें कोई कहने लाग लपेट वाली बात नहीं है, बीजेपी करा है, तो इस वजह से जो इंडिपेंडेंस है उनका आंकड़ा भी बढ़ेगा और बढ़ेगा। और जो ये परिवारवाद की और आपका ये आकलन है कि अगर जो अदर्स हैं यानी इंडिपेंडेंट है उनका आंकड़ा बढ़ता है तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, अभी इस बारे में ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। देखिए राजनीति किस करवट जाके बैठे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन चाबी उन्हीं के हाथ में रहने वाली है,
चाबी उन्हीं के हाथ में रहने वाली है। चलिए, और ये सब कुछ जनता ने तय कर दिया है, असल परिणाम 8 तारीख को आएंगे। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल की बात की जाए तो हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत संभव होता दिख रहा है, बीजेपी के पिछड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहां पर कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां बीजेपी को 26 सीट का अनुमान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। असल नतीजे 8 तारीख को आएंगे, इंतजार रहेगा, सबसे पहले करेंगे आपको अपडेट। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरें जा रही है, बने रही हमारे साथ।